गाइज वेलकम बैक टू ट्रैवल लाइट्स एंड टू अ वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ टॉकिंग ट्यूसडे विद तान्या। इस सीरीज में हम ज्यादातर पॉडकास्ट, दुबई जॉब मार्केट से रिलेटेड डिस्कशंस और दुबई के डीप डाइव्स कवर करते हैं। दिस सीरीज इज मेंट टू बी इंफॉर्मेटिव एंड एलैबोरेटेड, जिसमें हम काफी अच्छे से और डिटेल में लोगों के एक्सपीरियंसेस भी आप तक पहुंचाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई में हो रहे स्कैम्स की, सो इट्स मोर अबाउट दुबई स्कैम्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, स्कैम तो हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, दैट्स फॉर श्योर ट्रू विद एवरी इंडिविजुअल। बट द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो एंड कॉन्टेंट इज टू प्रिवेंट इनोसेंट फोक्स बीइंग ट्रैप्ड इनटू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस जो लोगों के साथ हो रही थी। और दूसरे के देश में आने के में, जैसे जब इंसान अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में आता है तो उसके साथ स्कैम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, बिकॉज ही इज वेरी न्यू टू द प्लेस और उसको पता नहीं होता है कहाँ पे चीजें जेन्युइन है कहाँ पे नहीं है। सो इस वीडियो के हेल्प से हम उन लोगों को बचाना चाहते हैं ताकि उनका बेवकूफ ना बन सके दुबई में। तो शुरू करते हैं अपने आज के एक्सपीरियंस के साथ। आपको डिटेल्ड में बताती हूँ कि ये स्कैम स्टोरी कैसे शुरू हुई हमारे साथ एंड हाउ इट ऑल हैपेंड। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले इट वॉज लाइक कि मैं एक रोज का दिन था और मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई हुई थी। एंड जब मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रही थी तो देन वहाँ पे नहीं होते एजेंट्स टाइप के कि मैम आप ये कूपन कोड फिल कर दो एंड ऑल, सो काइंड ऑफ अ लकी ड्रॉ ये सारी टाइप की चीज़ें थी जिसमें वो कहते हैं कि आप अपना नाम नंबर फिल कर दो। यही डिटेल्स मैंने फिल कर रखी थी। एंड इस जैसे कि हम ये देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि गाइस दुबई में ये लॉटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है एंड यहाँ पे लोगों की जेन्युइन लॉटरीज भी निकलती हैं, ये भी बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एमिरेट्स ड्रॉ, ये काफ़ी अच्छे अच्छे लॉटरी सिस्टम्स हैं और ये बहुत ही बड़े हुए हैं जिसमें बहुत ही जेन्युइन लोगों की लॉटरी निकलती है। बट इट्स रियली टफ टू ट्रैकल और मतलब टफ टू क्रैक एज वेल। तो ये वाला तो एकदम छोटा मोटा था जो ग्रॉसरी स्टोर पे हो रहा था, तो नाम और वो देखकर आ गई क्योंकि मुझे अपनी लक पे पूरा भरोसा था कि कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं चुपचाप घर आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब सपोज जैसे मैंने कल ही वो फॉर्म फिल किया था, तो आज ही मेरे पास 11-12 बजे के करीब कॉल आ गया कि मिसेस सिंह यू हैव वन दिस अवार्ड एंड आप ये लॉटरी जीत चुके हो, यू आर वन ऑफ दोज लकी कंटेस्टेंट्स जो इस लकी ड्रॉ में आए हो। एंड देन दे टोल्ड मी कि आपको इसमें तीन प्राइसेस मिलेंगे, पहला है एक स्मार्ट वॉच, दूसरा है 2 क्रूज पे डिनर और तीसरा है किसी 3 या 4 डे की स्टेकेशन के लिए, जो कि आप यूरोप में कर सकते हो या फिर आप इंडिया में कर सकते हो या फिर दुबई के एक्सटीरियर रीजन्स में। सो ये सारे ऑप्शंस थे, गिफ्ट ऑप्शंस, एंड ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई फ़ोन पे। देन दे सेड कि आप 4 से लेकर 10 बजे तक की कौन से टाइम स्लॉट पे अवेलेबल होगे आप उस समय का बता दो। तो सिंस मेरा और अर्जुन का ऑफिस 8 बजे हम फ्री होते हैं, मैंने उनको बता दिया कि हम 8 बजे तक आएंगे आपके पास। सो एवरीथिंग वॉज फाइन अंटिल हियर। एंड ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने हमें एक होटल का एड्रेस सेंड किया हमारे व्हाट्सएप पे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल होटल, दुबई में जनरली आपको नॉर्मल होटल्स मिलेंगे भी नहीं, बट वो भी एक वन ऑफ द 4 और 5 स्टार्स था जिस होटल का एड्रेस उन्होंने हमें भेजा था जिसमें वो इवेंट था। सो ओके फाइन, हमें वो चीज़ें पता चल गई थी एंड देन एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। फिर मैंने फ़ोन रख दिया एंड देन मैंने तुरंत अर्जुन को कॉल बैक किया एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ और ये लॉटरी है ये है वो है। सो उसने कहा ठीक है देखते हैं शाम में चलने का, उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। एंड देन ही आस्क्ड हिज पीयर्स जो उसके साथ ऑफिस में काम करते थे, तो उन्होंने उसे बता दिया कि ये भाई ये जेन्युइन नहीं है एंड दिस इज़ फेक, बिकॉज उन लोगों ने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। बट सिंस दोज पीपल डिड नॉट केम टू मास एंड स्पोक दिस आउट, नॉट एवरी वन न्यू, बट वी वर लकी इनफ कि उसके पीयर्स को पता था, तो हमें पता चल गया कि वो एक स्कैम टाइप का चीज़ें हैं, कह रहे हैं ये फ्रॉड है और ये सच में होता नहीं है। तो अब अर्जुन टोल्ड में, तो हमने कहा कोई बात नहीं अब हम जाएंगे वहाँ पे, बट हम आपके ले जाएंगे ताकि हम वहाँ से हमारे साथ जो भी होगा हमें पता तो चलेगा कि किस तरीके से लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम 8 बजे उस जगह पे पहुँचते हैं। सो एज यूजुअल हम वेन्यू पे पहुँचे। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे आस्क्ड अस टू सेटल डाउन और उन्होंने एक फॉर्म था जो हमसे फिल करवाया, हमारी बेसिक डिटेल्स नाम वगैरह। एंड देन दे सेड कि आपको फोन पे बताया गया था आपका हम 30 मिनट का टाइम लेंगे, तो हमने टिक कर दिया चेकबॉक्स कि हाँ भाई आप ले लो हमारे 30 मिनट। हम गए अंदर
तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई अवार्ड टाइप की सेरेमनी हो रही होगी जिसमें आप अवार्ड दोगे हमें जो भी आपने मेंशन कर रखा है, बट नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो, वहाँ पे कैसा नहीं काउंसलिंग सेशन टाइप का चलता है जैसे इमिग्रेशन सर्विसेज और ये सारा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो थे, मतलब आप समझ लो एक बार में वो 8 फैमिलीज को अकोमोडेट कर सकते थे और ज्यादातर उन्होंने कपल्स को टारगेट किया था, यंग फ्रेश कपल्स, और ज्यादातर उसमें भी मेजोरिटी ऑफ नेशनैलिटी जो हम देख पा रहे थे वो इंडियंस थी, क्योंकि हमारे में बेवकूफ बनाना बहुत इजी है, बिकॉज अगर आप बात करो मतलब दूसरी नेशनैलिटीज की यहाँ पे तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मैनिपुलेट दोज गाइज, बट यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ, ऐसा नहीं कि मतलब हमें बेवकूफ बनाना आसान है, बट इट इज लाइक कि हम लोग ऐसे स्टफ्स की से अवेयर नहीं होते, तो हम उसमें जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ नहीं एक जेन्युइन स्कीम होती होगी, ऐसी चीज़ें हो रही होती होंगी। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे वहाँ पे कपल्स दिखाई दिए जो अपनी फैमिली के साथ आ रखे, तो हमें लगा चलो ठीक है यहाँ पे लोग हैं, देन उनमें उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो हमें लेकर बैठता है, बात करता है, एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग ए क्वेश्चंस। पहले तो उन्होंने हमारे अवार्ड्स एक्सप्लेन किए एक पीस ऑफ पेपर पे कि मैम आपको अवार्ड नंबर 1 ये मिल रहा है, 2 ये मिल रहा है, 3 ये मिल रहा है, एंड नेक्स्ट अब हम आपके साथ हमारी कंपनी एक स्पेशल ऑफर रन कर रही है तो हम उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं, सो आप पहले वो डील सुन लें एंड देन एट द लास्ट वी विल कोट द प्राइस। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि देयर इज एनी वेयर इन द ग्लोब, लाइक इट वॉज इट साउंडेड लाइक कि अब दुनिया में कहीं पर भी जाना जाओ हम आपको ले जाएंगे फ्री में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कोई भी कंट्री आप चुन लो, 5-star होटल्स हो, 4-star होटल्स हो, वो हमारी चेन में है, मेजरली वो 4-star होटल्स बोल रहे थे, रिजॉर्ट्स बोल रहे थे, देन उनकी स्कीम्स में कुछ ऐसे वो भी थे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फॉर्म्स होती हैं आप वहाँ पे भी जा सकते हो, और मतलब जैसे नहीं कहीं पे भी आपको वीज़ा असिस्टेंस चाहिए, इमिग्रेशन सर्विसेज चाहिए, हम आपका भी करेंगे, आपकी लाइफ टाइम आपका आपकी फैमिली में भी जिसका भी ये हमें लाइफ टाइम बेनिफिट्स भी वो दे रहे थे। मैं आपको सारे बेनिफिट्स बता रही हूँ जो उन्होंने मैं मतलब मोटा मोटा बताया, एंड ये सारे बेनिफिट्स कुछ ऐसे कुछ नेमली कार्ड्स में आ रहे थे, मतलब जैसे उनका एक सपोज प्लैटिनम कार्ड है, एक सिल्वर कार्ड है, लाइक गोल्डन कार्ड है, ओपल कार्ड है, मिलेनियल कार्ड है, इस तरीके के कोरल कार्ड्स, दुनिया भर के कार्ड्स वो एक्सप्लेन कर रहे थे, ये कार्ड जो उन्होंने उठा के दिया उसकी क्वालिटी वन ऑफ द चीपेस्ट कार्ड आई एवर हेल्ड इट इन माय हैंड, सो बैड क्वालिटी। फर्स्ट थिंग हम मेंटली तो प्रिपेयर थे कि हमारे साथ स्कैम होने वाला है, बट हम जानना चाहते थे कि जेन्युइनली इंसान बेवकूफ कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई कि ओके, पर अर्जुन बार बार उस चीज पर था कि ठीक है भाई आप समय में दे रहे हो, बट वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अस, टेल दैट वन थिंग टू अस। तो नहीं नहीं सर आप रिमेनिंग बेनिफिट्स भी सुन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ओके सब कुछ हुआ, ठीक है। एट द एंड जब ये सारी चीजें होने के बाद दे सेड कि अब आप अपने हमें वो दीजिए कि मतलब कौन सा पैकेज आप लेना चाहेंगे, सो जो उन्होंने प्राइस कोट किया गाइस, एक स्पेसिफिक कार्ड का उन्होंने 10,000 दिरहम कोट किया, एक दूसरे कार्ड का उन्होंने 20,000 दिरहम कोट किया। 20,000 दिरहम या 10,000 दिरहम छोटी अमाउंट नहीं होती है, अगर हम इसको INR में कन्वर्ट करें ना तो 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, कोई ऐसे रातों रात ट्रांजेक्शन करके नहीं आ जाता है कि आप आते हो तुरंत ट्रांजेक्शन कर देते हो, इट्स नॉट दैट टाइनी अमाउंट। और बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि भाई लोगों को एक एरा निकल जाता है, जो लोग जेन्युइनली पैसे कमा रहे हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है इतने पैसे कमाना। एंड देन द सेकेंड थिंग जो हमें वो डाउट क्रिएट कर रही थी हमारे दिमाग में वो ये था कि अभी पेमेंट करिए आप, अभी पेमेंट करिए। सो अर्जुन वाज लाइक कि अगर आपको ऑफर है तो ठीक है, हो सकता है कि आज उतना डिस्काउंट ना मिले, कल कुछ कम मिले, बट ऐसा तो नहीं होगा ना, कोई भी जेन्युइन कंपनी आपको फोर्स तो नहीं करेगी कि नहीं अभी पैसा दो, अभी पैसा दो। उसमें पैसे देने के भी बहुत सारे आपके पास मल्टीपर्पज पेमेंट प्लान थे कि आप 12 महीने के लिए ले लीजिए, आप 24 महीने के लिए ले लीजिए, इतना टाइम ड्यूरेशन उन्होंने हमें दे रखा था, PMI करवा लीजिए। एंड देन व्हाट थिंग अगेन हिट आर हेड वाज कि गाइस हमको आपको टोल फ्री नंबर नहीं दे रहा है हमें रीच आउट करने के लिए, वी विल गिव यू आर पर्सनल नंबर्स, मतलब इतनी अच्छी हमारी सर्विस है, हम आपको अपना पर्सनल नंबर दे, कौन सा एक प्रोफेशनल फर्म अपना पर्सनल नंबर देता है क्लाइंट को, दैट्स द टाइनी टाइनी डिटेल्स जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी आप किसी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ सेम यही स्कैम रिपीट हो सकता है या आप इसी तरीके से बेवकूफ बना जा सकते हो, बट इन केस एनी वेयर अक्रॉस द ग्लोब यू आर और ऐसी कोई भी चीज़ हो रही हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो कि वो क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं, ठीक। तो उनका फ़ोन नंबर वो अलग चीज़ थी, देन एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट मांग लेना किसी से वो भी कोई छोटी बात नहीं थी,
एंड जिसमें आप हर फ्लाइट लाइक यू टेक एनी मेल, उन्होंने हर बड़ी बड़ी फ्लाइट्स का नाम ले लिया, एतिहाद एयर लाइक एतिहाद एयरलाइंस, एमिरेट्स एयरलाइंस, आप जिसमें भी जाओ, थ्रू आउट द लाइफ टाइम वी विल गिव यू 15% ऑफ ऑन एवरी फ्लाइट. डू यू गाइस थिंक इज इट पॉसिबल? मतलब दुनिया में ऑलरेडी इतनी वेबसाइट्स अवेलेबल है, हम सब लोग बेस्ट रेट्स टारगेट करके सब अपनी फ्लाइट बुकिंग करते हैं, बट देयर इज अ पर्टिकुलर कार्ड विच विल गिव यू ऑलवेज 15% ऑफ. बैंक्स भी कभी कभी लिखते हैं कि स्पेशल ऑफर है, अगर कुछ लोग आईसीआईसीआई बैंक भी यूज करते हैं, उसमें भी कुछ फ्लाइट के ऑफर्स वो स्पेसिफिक डेट्स पे देता है. नॉट लाइक कि मतलब दोज बैंक्स आर बिग एंटिटीज, वो ट्रस्टेबल फर्म्स हैं, बट वो भी ऐसे हर रोज आपको ऑफर नहीं देते हैं कि नहीं अभी चले जाओ, कल चले जाओ, परसों चले जाओ. तो ये सारी चीजें थी, ये इस तरीके की उन्होंने हमें ऑफर्स दिए. तो हमने फिर फाइनली डिटरमिंड होके कहा नहीं, हमें आपका कोई भी पैकेज नहीं चाहिए. सो उनकी कंडीशन थी कि हम उनका प्रपोजल सुने, हाँ या ना में जवाब दें, बट स्टिल दे विल गिव अस द गिफ्ट. तो हमने कहा अब हमने आपका सुन लिया है, बाबा हमें हमारा गिफ्ट दो. तो अब उस गिफ्ट के लिए उन्होंने उससे पहले हमें एक फीडबैक फॉर्म फिल कराया कि आप जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो. मतलब ये होता है ना कि इंडियंस को सबसे ज्यादा कौन सी फॉरन डेस्टिनेशन लिक्विडेट करती है, काइंड ऑफ स्विट्जरलैंड, यूरोप. तो सबसे पहले तो उन्होंने यूरोप का पर्चा फहरा हमारे ऊपर, फिर देन यूके, यूएसए, कनाडा, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक यूएसए और ऑस्ट्रेलिया. मतलब यूएसए का तो वीजा जेन्युइनली लोगों को पता है इट्स नॉट दैट इजी टू गेट, यू हैव टू एक्चुअली वेट और मतलब प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ जाना पड़ता है. ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट इट टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम. बट उनके लिए वो चुटकियों में काम हो रहा था, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तुरंत आइए, आप हर चीज़ एकदम ऐसे प्लेट पे रखिए. शेंगेन वीजा तो वो ऐसे बता रहे थे कल ले लीजिए आप हमसे, तो इट्स नॉट दैट ईजी जो वो आपको बता रहे होते हैं. जब आप जेन्युइनली वो प्रोसेसेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वीजा फॉर्मेलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और कितना मतलब कितना ट्रस्टेबल सोर्स होना चाहिए कुछ काम करने के लिए. तो खैर फिलहाल ये सारी चीज़ें उन्होंने बताने के बाद फिर हमसे फॉर्म फाइल कराया कि आपको फीडबैक में क्या नहीं अच्छा लगा, तो हमने अपना फीडबैक दे दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, दैट सिंपल एज दैट. फिर हमने उनसे कहा अब हमारा गिफ्ट. तो उस गिफ्ट को देने के लिए उन्होंने हमारी एमिरेट्स आईडी स्कैन करवाई, तो मुझे और अर्जुन हम दोनों को अपनी ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी उनको दी हमने, तो उन्होंने उनको फोटोकॉपी कराई और उसके बाद उसमें हमारा साइन करवाया नीचे. सो सिंस बिकॉज अर्जुन ने इसमें भी दिमाग लगाया, क्योंकि कभी कभी आपकी एमिरेट्स आईडी और उस पर आपका सिग्नेचर हो तो वो डॉक्यूमेंट कहीं पर भी फॉल्सली यूज हो सकता है. आई एल नॉट से कि 100% होता है, बट हो सकता है. तो अर्जुन वेरी स्मार्टली वाइल साइनिंग ही जस्ट डबल क्रॉस इट एंड ट्राई रोट कैंसल्ड, कि उसने अपना दिमाग लगाकर वो चीज़ करी. अगर आप चाहें तो ये टिप ले सकते हैं, और कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो तो इस तरीके से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो. तो उसने उस जगह पे वहाँ पे वो कैंसल्ड लिख दिया था. फिर ये सब होने के बाद उन्होंने हमें गिफ्ट दिया. अब हम आपको दिखाते हैं गिफ्ट जो हमने मेगा गिफ्ट्स रिसीव किए, बिकॉज गाइज ये तो उनको देना ही था, वरना वहां पर हम उनकी जेन्युइनली वर्ड लगाते कि भाई तुमने हमारे साथ किया क्या. तो अब हम आपको दिखाते हैं गिफ्ट की क्वालिटी. दिस इज लाइक वॉच 8 अल्ट्रा, बहुत ही शानदार घड़ी थी, कि पूछिए मत कितनी ही शानदार थी. एकदम चीप क्वालिटी वॉच, जो कि एकदम होता है ना 10-10 रुपए में भी कभी कभी एकदम रेडी वाला भी बेच सकता है. दिस काइंड ऑफ वॉच वर गिफ्टेड, एंड इस तरीके से इसका ये है डायल, ठीक ठाक काम कर रहा है. और दिखाती हूँ क्वालिटी कि ये इसके अंदर नहीं जा रहा है. पहला वाला तो पता नहीं अर्जुन ने कितनी मुश्किल से घुसाया है, दूसरा वाला तो जा भी नहीं रहा है, एंड ये क्या है कि इसका ये टूट चुका है. ठीक है, तो दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ द गिफ्ट, फर्स्ट गिफ्ट. बट ये इस तरीके की स्मार्ट वॉच मिलती है. दूसरा उन्होंने हमें ये एक सो कॉल्ड ऐसा वो दे रखा है कि नहीं स्टेकेशन और ये वाउचर्स एंड ऑल. तो उन्होंने हमें ये दे रखा है कि होटल स्टे वाउचर है बेसिकली, कि आप फार ईस्ट यूरोप इंडिया, फॉर गेटिंग दिस होटल स्टे वाउचर 3 nights 4 days, एंड वाउचर वैलिड है 4-star होटल्स में, रिजॉर्ट में, बिलो मेंशन डेस्टिनेशंस में, जिसको हम यूज करते हैं. वी नो कि ये भी हमारे साथ नहीं होने वाला, दिस इज अगेन अ स्कैम. पहली बात, ये यूरोप में यूज हो सकता है, ठीक है, जो कि हम अभी जा नहीं रहे. दूसरी चीज, ये इंडिया में यूज हो सकता है जहां पर अभी हम हैं नहीं, एंड फार बाय मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वहां पे भी कौन जा रहा है, कहां यूज हो रहा है. सो और इसके बाद अब हम बात करते हैं उन फीडबैक्स की जो हम अपना वहां पे बैठे हुए जब हम फोन चला रहे थे, तो हमने गूगल पे देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोरा पे, रेडिट पे, जो कि जेन्युइन वेबसाइट्स होती है, उसमें फीडबैक डाल चुके हैं कि ऐसा ऐसा होता है. सो वी ट्राइड टू एम्पलीफाई दैट वॉइस, और इसको हम बहुत ही सशक्तिकरण के साथ आप तक पहुंचाएं, सो दैट यू गाइस नो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. व्हेन यू कम टू अ फॉरेन कंट्री, यू हैव
No, you should not have just two eyes open. You should have four, six, eight eyes open. आपको vigilant होना चाहिए. And अब आप सो कहोगे कि दानिया हम कैसे पता करें? तो मैंने आपको बहुत सारे tips and tricks. अगर आपके साथ same instance दोहराया जा रहा है तो आप समझ जाओ आप scam हो रहा है. अगर कुछ नया तरीका है तो आप comment section में जरूर बताना जिसमें आप कभी बेवकूफ बने हो या आपके साथ वैसा कुछ भी scam हुआ. और तीसरा, अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में खुदा ना खासा फंस भी गए हो तो मेक श्योर करो कि कोई भी अपना वैलिड डॉक्यूमेंट मत दो. अगर दो तो यूज अर्जेंट टेक्निक ऑफ डूइंग कैंसिल थिंग. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक आप पहले सुनकर रिव्यू पढ़ लो, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लो, किसी भी जगह पे पैसा देने. बिकॉज गाइस कहते नहीं, रात तो रात की कमाई एक दिन में कोई मांग लेता है. 5 लाख रुपए अगर मैं अपने अभी घर पे भी फोन करके बोलूँ ना मुझे 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख छोड़े आप, आज के समय में आप किसी से 5,000 रुपए दें तो वो नहीं देता है. बट ऐसी कंपनीज जो लोगों के हार्ड इन मनी को लेकर फ्लाई ऑफ कर जाती है और लोगों का बेवकूफ बन जाता है, तो इन सारी चीजों को लेकर कॉशियस रहे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग कहते हैं ना, गलती किसकी थी, किसने कहा था तुम्हें ज्यादा होशियार बनने के लिए. तो और वो लोग अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप बेवकूफ हो रहे हो. बट 2 दिन बाद 4 दिन बाद जब आप उनको कॉल करोगे तो वो नंबर स्विच ऑफ हो चुका होगा. फिर आप वो कंपनी सर्च करोगे, वो कंपनी उड़ चुकी होगी, उसका कोई भी अता पता नहीं मिलेगा, वो लोग दोबारा कभी आपको नहीं मिलेंगे. तो इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है आज के समय में. तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो ने आपको जेन्युइनली कुछ सिखाया हो, कुछ स्कैम का बेहतर तरीका बताया हो कि यहाँ पे किस तरीके से स्कैम होता है और उनसे बचने के, सॉरी स्कैम का बेहतर तरीका नहीं, स्कैम से बचने का बेहतर तरीका बताया हो. और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से फ्रूटफुल लगे या आपको जेन्युइनली लगे कि हमको आपको ये वीडियो किसी को मदद कर सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और हम पर अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें. थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस एंड हियरिंग अस. अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यू गाइज लव अस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट. वी लव यू.